आज इस वीडियो में मैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि वैकेंसीज निकलती रहती है एनजीओ के अंदर। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वैकेंसीज आती हैं, जिसके लिए आपके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जो कि वैकेंसी हुई है पंजाब के अंदर, तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली के अंदर की कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। ये एनजीओ के थ्रू वैकेंसी होती है, जिसमें एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। इस चैनल के ऊपर मैं गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन लेके आता हूँ, और अभी मैं कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसी निकली है असर एसोसिएट के अंदर। जो असर की वैकेंसी निकली है, ये निकली है यहाँ पर एक असर एसोसिएट पंजाब के अंदर वैकेंसी निकली है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए असर सेंटर के अंदर निकली है, जिसकी मेन वेबसाइट दी गई है यहाँ पर। असर एसोसिएट की वैकेंसी है, सीनियर असर एसोसिएट एंड रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, पंजाब विद फ्रिक्वेंटली ट्रेवल विद पंजाब एंड अक्रॉस ऑफ इंडिया, एक वैकेंसी है यहाँ पर। जॉब पर्पस क्या रहेगा, फॉर द रोल ऑफ असर एसोसिएट वी आर लुकिंग टू एंगेज एंड डायनेमिक, ये आप पढ़ सकते हैं, जो भी इसका जॉब का पर्पस रहेगा यहाँ से रीड कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है यहाँ पर इसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हैं नीचे आकर के। तो देखिए कोऑर्डिनेट रिसर्च असिस्मेंट एंड इवेल्युएशन स्टडीज फॉर ऑन गोइंग एंड न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ असर सेंटर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, यहाँ पर भी आपको रेस्पेक्टिव स्टेट्स मतलब पंजाब के अंदर वैकेंसी है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट रिसर्च जो भी रिसर्च आपको काम मिलेगा उसके अंदर, असेसमेंट आपको बनाना है, इवेल्युएशन स्टडीज यहाँ पर करनी है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट आपका रहेगा। फाइनलाइज इवेल्युएशन टूल एंड फॉर्मेट फॉर द सर्वे, जो भी यहाँ पर ये सर्वे उसका सर्वे होगा उसको आपको देखना है, पायलट प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो देखना है आपको। प्रिपेयरिंग ट्रांसलेशन एंड प्रूफ रीडिंग ऑफ सर्वे टूल, ट्रेनिंग मैनुअल लेटर डॉक्यूमेंटेशन आपको करने होंगे हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज के अंदर, जो भी वहां पर लैंग्वेज रहेगी। प्लान एंड मैनेज असर सर्वे एंड अदर सर्च फील्ड लेवल सर्वे विद अदर टीम मेंबर, जो भी टीम मेंबर्स रहेंगे उनके साथ मिलकर के आपको सर्वे करना होगा। फाइनलाइज पार्टनर सर्वे कैरी आउट द रेस्पेक्टिव सर्वे, ये आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, जो भी इसका जो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। ट्रेन सर्वे टू इफेक्टिवली कैरी आउट द सर्वे, मॉनिटर द कोऑर्डिनेट सर्वे, और यहाँ पर रहेगा कोऑर्डिनेट डेटा एंट्री फॉर द रेस्पेक्टिव सर्वे और कलेक्ट एनालाइज एंड फाइंडिंग फ्रॉम द डेटा कलेक्टर कलेक्शन, यहाँ पर इसको पढ़ लेना है आपको पूरा, रीड करने के बाद ही तभी एप्लीकेशन को फिल करेंगे। देखो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, इसलिए स्किल्स क्या यहाँ पर क्या मांगी गई है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर आपने ग्रेजुएशन किया है तो एलिजिबल रहेंगे आप इसके लिए। बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के जो टूल्स रहेंगे, MS Excel आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज वर्ड एंड पावर पॉइंट के बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। यहाँ पर करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड लेवल सिचुएशन, प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग प्रोग्राम और फील्ड सर्वे शैल बी हेल्प, ये रहेगा आपके पास। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास लैंग्वेज के अंदर, रीड राइट स्पीक इन एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में आपकी रीड राइट एंड स्पीक अच्छी होनी चाहिए। फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर आपके आपको वैकेंसी दी जाती है, अगर वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन बीइंग एबल टू रीड राइट एंड स्पीक इन द लोकल लैंग्वेज, वहां की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उसमें आप पढ़ने में सक्षम होने चाहिए और बोलने में भी सक्षम होने चाहिए, आप बोल भी लें, क्योंकि लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर के आपको काम करना होगा, तो कई बार आपको क्या होगा कम्युनिटी विजिट के लिए जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, तो उनसे सर्वे के लिए तो आपको लोकल लैंग्वेज का आना अनिवार्य है। वहां पर बात करते हैं हम अटेंडिंग टू द, ये हमने सॉरी ये हमने पढ़ लिया है, तो ये आप देख सकते हैं पोसेशन ऑफ एनालिटिकल स्किल्स विल बी एन एडेड एडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है इसको रीड कर लेना है आपको। 28,000 यहाँ पर आपको CTC मिलेगा, उसके साथ क्या आएगा इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, PF आपका कटेगा, टैक्स आपको देने होंगे और ट्रेवल आपको, फूड, लोडिंग, पोस्ट, ये सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस ये रहेगा, आपको क्या करना है इसके ऊपर अपना CV भेज देना है, ये यहाँ पर मेल आईडी एक तरह से दी गई है, तो इस पर अपना CV भेज देना है, CV कवर लेटर और कवर लेटर के साथ ओनली वन डॉक्यूमेंट। CV शुड कंटेन नेम ऑफ टू रेफरेंस, आपको रेफरेंस भी देने होंगे यहाँ पर,
जहां पर आप प्रीवियस एम्प्लॉय, जहां पर आपने काम कर रहे हो प्रीवियस में, तो ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर यूनिवर्सिटी में फ्रेशर है तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएट, ये जितनी भी वैकेंसी दी गई है जो मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया है उसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी, स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स के अंदर ये वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं न्यू दिल्ली के अंदर वैकेंसी है, यहाँ पर इमीडिएट ओपन अंटिल फील्ड। तो सीटीसी यहाँ पर क्या रहेगा, 4,68,000 सीटीसी यहाँ पर रहने वाला है। नीचे देखते हैं कि मंथली कितनी सैलरी बैठ जाएगी, आप लगा सकते हैं इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वही आपको सैलरी का पता चल जाएगा कि मंथली अप्रोक्स 30 साल से ऊपर की मत सॉरी 30,000 से ऊपर सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे, यहाँ पर क्या रहने वाली है, नीचे आते हैं ये देखिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम जॉब रिक्वायर, मिनिमम जॉब मतलब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक। जो भी जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पोस्ट के अंदर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल क्या होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर वुड बी प्रिफर्ड, प्रायिकता आपको दी जाएगी अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। वर्किंग इन द सोशल सेक्टर विद टेस्ट फ्रेमवर्क डिजाइन आइटम राइटिंग एंड फील्ड टेस्टिंग और एक्सपीरियंस इन द टीचिंग, आपने क्लास रूम में टीचिंग कराई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। प्रेफरेंस एमएस एक्सेल आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट वगैरह, हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड नेगोशिएशन स्किल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश एंड हिंदी रिटन एंड ओरल आपको आना कंपलसरी है। विल बी क्रिटिकल प्रोफिशियंसी इन एनी अदर इंडियन लैंग्वेज विल बी एन एडवांटेज, अगर आपको इंडिया की कोई अदर लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। एबल टू वर्क अंडर मिनिमम सुपरविजन, हैंडल वर्क प्रेशर, प्रेशर के अंदर अंडर प्रेशर आपको सभी जॉब के अंदर प्रेशर तो होता ही है, अंडर प्रेशर आपको काम करना होगा। यहाँ पर शेड्यूल टेक इनिशिएटिव एंड थिंक इनोवेटिवली, इनोवेटिव तरीके से आपको काम करना होगा। रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, ये पढ़ लेना आपको पढ़ना है सब कुछ, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, तभी आप शॉर्टलिस्ट होने के लिए रेडी रहेंगे। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो ये देख सकते हैं, द अप्लाई प्लीज राइट द जॉब टाइटल, जॉब टाइटल ये रहेगा आपका स्पेसिफिक मैथमेटिकल असिस्टेंट जो भी है ये एसोसिएट असिस्मेंट इन द सब्जेक्ट लाइन, ईमेल आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देने हैं एंड फिल आउट द गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म होगा, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, उसको ओपन करता हूँ, गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए ये यहाँ पर दिया गया है ईमेल, आपको अपना ईमेल डाल देना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इसके स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स SME के लिए अप्लाई किया है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ईयरली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पर नाम लिखना, फोन नंबर डाल देना है, आपको एक्सपीरियंस जो भी है किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, किस में एक्सपीरियंस है आपको तो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अगर सभी में एक्सपीरियंस है तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है अपना SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और सबमिट करके ये यहाँ से सबमिट अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है और फिर सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने बात की है रिसर्च एसोसिएट स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स असिस्मेंट यूनिट असर सेंटर के अंदर ये वैकेंसी है जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है। तो आगे वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट ईयरली ईयर के अंदर ये वैकेंसी है, यहाँ पर भी 4.68 लाख पर एनम पर सीटीसी रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे, यहाँ पर बात करेंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन अर्ली चाइल्डहुड साइकोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन और रिलेटेड फील्ड के अंदर आपके होना चाहिए। एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट एंड वर्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और वही जो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर दिया गया है। और आपको क्या करना है, यही गूगल फॉर्म यहाँ पर फिल करना है, ये जो मैंने स्टेप पीछे बताई है वो आपको फॉलो करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ये वैकेंसी मैं लेके आया हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस कैन बी प्रीवियस एम्प्लॉई कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अगर आप
प्रेशर है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको रेफरेंस देना होगा कि प्रोफेसर का अपना या कोई भी वहाँ पर रहेगा। तो रेजिडेंशियल नाइबर, अगर कहीं पर आप रेंट पर रह रहे हैं तो वहाँ के जो पड़ोसी हैं आपके, उसका कलीग इमीडिएट रिलीवेंट कैन बी अलाउ एज ए रेस्पेंस कैन नॉट बी, मतलब आपको जो इमीडिएट आपका कोई क्या कहेंगे रिलेटिव होगा तो उसका आप कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकते। तो बेस्ड ऑन सीवी एंड शॉर्ट टेलीफोनिक चैट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी हैव टू अपियर फॉर ए टेस्ट टू असिस्ट द मैथमेटिकल एक्सेल और प्रेजेंटेशन मेकिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन स्किल एंड प्रीवियस सॉरी पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू आपको आपका होगा, आपका अगर सीवी शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, या तो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपको जहां पर इसका सेंटर होगा वहां पर बुलाया जाएगा। वी आर टेकिंग एप्लीकेशन ऑन रोल बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑल एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज कैन बी एड्रेस्ड टू प्रभसिमरन सिंह एट, ये आप कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, यहां से आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो ये यहां पर वैकेंसी दी गई थी, इस वैकेंसी